दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिल्ली में केजरीवाल, देखिए अक्सर होता है कि कम पढ़ा लिखा आदमी जो है वो अक्सर ऊटपटांग हरकतें करता है, लेकिन यहाँ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे एक साफ सुथरी छवि वाले आदमी ने बिल्कुल अहमकाने वाला बेवकूफ़ी वाला जो है इस वक्त जो है हालात पैदा कर रखे हैं। क्योंकि आज देखिए दिल्ली में आज जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, दिल्ली में कोरोना काल के समय में आज दिल्ली सरकार विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। जब देखा कि दिल्ली के सीएम ने कि मेरे बस का नहीं रहा, तो उन्होंने अपना टीकरा जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर फेंक दिया कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही। 6 साल में तुमने दिल्ली में करा क्या है? मुझे एक काम गिनवा दो दिल्ली में। अगर मैं कोई मकान खरीदता हूँ तो जब मैं उसमें जाता हूँ या किराए पे जाता हूँ या रहने जाता हूँ तो मैं उसकी पॉलिश कराता हूँ, लीपा पोती कराता हूँ, साफ़ सफाई कराता हूँ। आपने पिछले 6 साल में स्कूल हों, कॉलेज हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, आपने उनमें केवल पॉलिश कराई है, लीपा पोती कराई है, चूना रचा है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है कि जी हमने 6 साल में दिल्ली को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। जब केंद्र सरकार ने आपको ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने के लिए इतना पैसा दिया था 2020 में, कहाँ है वो पैसा? उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हिसाब मांगो तो ये दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ठोकते हैं कि जी हमें जो है राज्यपाल काम करने नहीं देते, हमें ये काम करने नहीं देता, हमें वो केंद्र सरकार काम करने नहीं देती। आज केंद्र सरकार ने मजबूर होकर ये कदम उठाया कि जो उपराज्यपाल हैं उनको आदेश दिया कि आप संभालिए दिल्ली, केजरीवाल के बस की बात नहीं है। आज उपराज्यपाल जो हैं दिल्ली को संभाले हुए हैं, आज दिल्ली को की जो व्यवस्था लेकर चल रहे हैं वो सराहनीय है। जी सर, दिल्ली में बात करी जाती है अरविंद केजरीवाल द्वारा, चीख चीख कर चिल्लाया जाता है विधानसभा में कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, और जो दिल्ली के इस वक्त हालात हैं उस पर कुछ नहीं किया जाता उनसे, और यहाँ तक कि जब इलेक्शन आते हैं या कुछ आता है तो कहते हैं कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिए हैं। तो अगर दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं तो दिल्ली की जनता की हालत तब भी ऐसी क्यों हो रखी है? दिल्ली की जनता इतनी परेशान क्यों हो रखी है अगर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है दिल्ली में? आज देखिए, आप जाके देखिए, आप सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखिए, आज दिल्ली के हॉस्पिटलों में जाके देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटलों में सिवाय परेशानी सिवाय दुखों के और कुछ भी नहीं है। आज वहाँ जाकर कोई बीमार आदमी अगर दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में जाता है तो केवल परेशान होता है। उनको ना तो बेड की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, डॉक्टरों को देखने की नहीं अनुमति नहीं दी गई है, केवल डॉक्टर देखें। अगर आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में तो वहाँ देखिए कि वह हॉस्पिटल का मतलब होता है कि आपका हर चीज़ का ट्रीटमेंट करना, लेकिन नहीं, वहाँ तो सिविल हर जगह केजरीवाल ने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं, कितना करोड़ों रुपया बैनरों पर खर्च कर दिया कि ये करिए वो करिए, लेकिन सिवाय बैनरों पर पैसा खर्च करने के केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिवाय बातों के और पैसा बर्बाद करने के दिल्ली के केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आज देखिए दिल्ली के केजरीवाल जी को देख लीजिए, आज फिर उन्होंने एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया, हाथ जोड़ जोड़ कर अपील कर रहे हैं पूर्वांचलियों से, बिहार के लोगों से कि आप दिल्ली छोड़ के मत जाइए। अरे अगर दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे तो इन्हें कहाँ से खाना खिलाओगे, कहाँ से पानी दोगे, इन्हें कहाँ से जो है जिंदगी गुजारने की? पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो यही केजरीवाल थे या दिल्ली गवर्नमेंट थी, यही दिल्ली की सरकार थी जिन्होंने बस्तियों में जाकर अनाउंसमेंट किया था कि यूपी पर बसें खड़ी हैं, जिसको जाना है चले जाएं। देखिए ये सब जो बहकावे वाली बातें थी, ये इन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी 2-3 जगह गया था उस दौरान, पिछले साल जो 2020 में जब ये लोग आया था, महामारी कोरोना आया था, तो कुछ भी नहीं था। दिल्ली की सरकार ने किट्स बांटी थी, किट्स के जी आप किट्स लेके जाइए, राशन की दुकानों पे लेके जाइए, आधार कार्ड के ऊपर आपको किट्स के जरिए राशन मिलेगा। आज चावल नहीं है, आज चीनी नहीं है, आज ये नहीं है, सिवाय इन्होंने 2 किलो चावल और 2-4 किलो गेहूं के अलावा दिल्ली की सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। आज ये बड़े बड़े वादे कर रही है, कि हमने ये करा हमने वो करा, सिवाय बातों के दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ दिल्ली वासियों को बेवकूफ़ बनाया है। और इस झाड़ू को आप ये देखिए, झाड़ू को बदनाम किया है दिल्ली सरकार ने, और आने वाले समय में देखिएगा कि यही झाड़ू अब दिल्ली सरकार के केजरीवाल पर
बहुत पढ़ने वाली है, लगातार पढ़ने वाली है जी। सर जो कहा जा रहा था कि दिल्ली मंदिर की जगह अगर अस्पताल बन जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज वही मंदिर तो उठकर आ रहे हैं, बेड्स लगा रहे हैं आईसीयू के, अपने अपने आश्रम में बेड्स लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी तो कहा जा सकता है कि अगर केजरीवाल ऐड ना करके हॉस्पिटल खोल ले तो तब भी तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि एक समझदार व्यक्ति है, एक समझदार व्यक्ति को दिल्ली सरकार, दिल्ली के आम नागरिकों ने इसलिए चुना था कि देखिए आज जितना भी दिल्ली में जितना भी आप चारों तरफ विकास देखेंगे, देखिए बीजेपी कहीं भी नहीं है। अगर बीजेपी होती इस दौरान, अगर दिल्ली में बीजेपी होती या पिछले समय में बीजेपी होती तो शायद आज दिल्ली की व्यवस्था ही कुछ और होती। आज ये पेरिस से कम नज़र नहीं आता, आज ये बड़ी कंट्रियों के मुकाबले दिल्ली आज जो है कितनी नीचे है। लेकिन अगर बीजेपी को मौका देती, हम आज मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूँ, वो दिखाना चाहता हूँ कि देख लीजिए आज आप बीजेपी को अगर दिल्ली में ले आते तो देखिए वही हाल होता आप दिल्ली का जो आज यूपी में है। यूपी में देखिए कितने कम समय में योगी आदित्यनाथ जी ने कितने कम समय में जो है वहाँ की व्यवस्था, देखिए आज उन्होंने वहाँ लॉकडाउन नहीं लगा रखा, कहीं नहीं लॉकडाउन लगा रखा, सारे कारोबार खुले हैं, सब लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब काम काज कर रहे हैं। लेकिन एक दिल्ली के केजरीवाल ऐसे जिन्होंने लगातार परेशान किया है पब्लिक को, आम नागरिक परेशान है, कोई चीज़ बेचने नहीं दे रहे, कोई चीज़ खोलने नहीं दे रहे, सिवाय राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी सरकारों पर अब पहले कहते थे कि जी यूपी में ये हो रहा है, वो यहाँ पंजाब में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, अरे आप खुद अपने गिरेवान में झांको केजरीवाल कि तुम्हारी दिल्ली में क्या हो रहा है इस वक्त। जी सर, एक तरफ दिल्ली में ऐसी तबाही मची हुई और दूसरी तरफ इनको राजनीति करने से टाइम नहीं मिल रहा, एक तरफ केंद्र पर आरोप लगाना और दूसरी तरफ अगर पीएम के साथ एक गुप्त मीटिंग होती है उसको लाइव कर देना सिर्फ एक सस्ती राजनीति के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो बड़ी शर्मनाक बात थी कि भाई एक मीटिंगें जो होती हैं वो एक प्राइवेसी होती हैं कि भाई आम जो हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की, उनको मीटिंग बिठाई तो उनसे प्राइवेसी में बात करनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सिवाय केंद्र सरकार को बदनाम करने के, देखिए एक शख्स को जितना बुरा समझेंगे, जितना हम बुरा कहेंगे, अगर हम किसी व्यक्ति को बुरा कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति सबसे अच्छा आदमी है। तो आज वही अच्छा आदमी जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, आज वो जितनी बुराइयां उसके वो मिल रही हैं वो उतना ही अच्छा काम कर रहा है। कभी अच्छे को आप अच्छा नहीं कहोगे, हमेशा अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कहोगे, अच्छे को बुरा नहीं कहोगे आप। लेकिन आज जितना मोदी जी के बारे में प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वही व्यक्ति देखिए आज इन सबको छोड़कर सिवाय आम नागरिकों के हित में सोच रहा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहा है। और अब यही चीज़ उन्होंने दिल्ली में अपनाई, देखिए अमित शाह जी ने अब दिल्ली की भागदौड़ अपने हाथ में लीजिए तो देखिएगा आने वाले समय में दिल्ली फिर वैसे ही अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ जाएगी, पुरानी वाली स्थिति में आकर वही कारोबार बढ़ेगा, वही रोजगार बढ़ेगा और हर गरीब को हर अमीर को जो भी है दिल्ली में रहने वाले उन सब के दिन जो है अब अच्छे आने वाले हैं। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो विपक्ष है वो मोदी पर सीधा आरोप लगा रहा है कि मोदी की वजह से ये सब बढ़ रहा है कोरोना, इस वक्त मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं कोरोना पर, और यहाँ तक कि अभी तो सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि यहाँ देश परेशान हो रखा और मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या उस पर बात करेंगे जब पिछली बार उनकी 10 साल सरकार रही है उसमें सिर्फ एक एम्स खोला गया इनके द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, और वहीं दूसरी तरफ जब मोदी जी की सरकार बनी है उसमें 16 एम्स खोले गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे क्या राहुल गांधी? नहीं नहीं, इस पर क्यों करेंगे भाई, क्यों और करेंगे, अपनी थाली में खुद थोड़ी थोड़ा करेंगे। अरे ये वो लोग हैं कि इन्होंने कभी कुछ नहीं करा, ये सरकार कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में आए जरूर काम किया इन्होंने, लेकिन कितना काम किया, इतना काम आज दिल्ली में जो यूपी में आप देख लीजिए, यूपी में जो बदलाव आया है, यूपी के नहीं बारे में क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, आज वो सिर्फ मोदी जी के पीछे क्यों लगे हुए हैं, इसलिए कि उनको ये दिखाना है, हर आदमी के हर नागरिक के दिमाग में बिठाना है कि मोदी गलत है। आज जो कुछ भी हो रहा है मोदी जी कर रहे हैं, ये अल्लाह को भूल गए, ये भगवान को भूल गए, आज देश में कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ मोदी हैं, कोरोना आया मोदी जिम्मेदार, भूखमरी आई मोदी जिम्मेदार, ये आया मोदी जिम्मेदार, वो आया मोदी जिम्मेदार, अरे सारा अगर मोदी जिम्मेदार है तो तुम उनको हटा के खुद बैठ जाओ ना,
अरे खुद बैठो और फिर करके दिखाओ चमत्कार। अरे इस बंदे की तरह करके तो दिखाओ जो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। बातें करने से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ नहीं होना। तुम्हारे जमाना जा चुका है। तुम लोग अब समय तुम्हारा समाप्त हो चुका है। तुम लोग अब इटली जाने की तैयारी करो, क्योंकि यहाँ इस देश में तुम्हारी ना कोई सुनता है और सुनाता है। हाँ, जब एक जोकर की बात करता है तो इसी तरह लोग हंसते हैं। ऐसे जब तुम लोग बात करते हो, ट्वीट करते हो या किसी के ऊपर जो बुराई उछालते हो तो खुद भी देखा करो। अरे शीशा साफ मत करो, आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। चेहरे साफ करो अपने चेहरे, क्योंकि तुम्हारे अपने चेहरों पर धूल बैठी हुई है और तुम आईना साफ करने में लगे हुए हो।